जब मनीष कश्यप जैसा एक सामाजिक पत्रकार, मैं उन्हें पत्रकार नहीं बोलता, मैं उन्हें एक सामाजिक पत्रकार की नज़र से देखता हूँ, सामाजिक पत्रकार जब न्याय के लिए आवाज़ उठा देता है लोगों की, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। बिहार की जनता क्या कर रही है? और मैं ये बोलता हूँ केवल बिहार की जनता से नहीं, बिहार भारत का हिस्सा है, हर बिहारी भी तो मेरा भाई है, मैं राजस्थान से आता हूँ, लेकिन क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? मेरे लिए मनीष कश्यप सरकार उसे देशद्रोही बता रही है। देशद्रोही तो तेजस्वी यादव है, कैसे पहने से क्यों नहीं लगाया गया? कैसे देशद्रोही? मनीष कश्यप एक आम सा नागरिक, एक सामाजिक पत्रकार, उन्होंने किसी का वीडियो रीट्वीट किया, ठीक है, और उन्होंने रीट्वीट में क्या लिखा? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए, मतलब सवाल उठाया। उन्होंने ये नहीं बोला ये सत्य है, सत्य को उजागर करने की मांग सरकार से की, तो उनके लिए क्या बोला गया कि दो राज्यों में विवाद उत्पन्न करे। एक बात बताइए, जब तेजस्वी यादव ने सारे गुजरातियों को चोर बोल दिया था तब क्या करना चाहिए था? उन्होंने तो ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया था, उनका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, तो कहीं ना कहीं उनकी सरकार को उन्हें उसी टाइम पे उठा के जेल नहीं डाल देना चाहिए था। हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? क्यों लोगों को, क्यों एक आम गुजराती को इसके खिलाफ जनहित एक FIR करनी पड़ी? सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? ऐसे तो संज्ञान लेने को सुप्रीम कोर्ट आधी रात को सुप्रीम कोर्ट तो उसे जो है तमिलनाडु भेज दिया है। मैं बोल रहा हूँ तेजस्वी यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर है कि एक स्टेट में सरकार है और उसका उप मुख्यमंत्री है तो सुप्रीम कोर्ट उसके आगे झुक रहा है? मैं इसे मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट की गलती है, मैं सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाता हूँ और हमेशा उठाऊंगा, और बिहार के लोगों भी उठाऊंगा। क्यों नहीं बिहार के लोगों ने तेजस्वी यादव को पकड़ के चौराहे पे उल्टा लटका दिया? सर CM अगर डेप्यूटी CM है तो लोगों के बल पे है, लोगों से बड़ा डेप्यूटी CM नहीं है। सर कुछ नहीं होता, नेता क्या होता है? मोदी जी जो बोलते हैं प्रधान सेवक, एक सेवक है, मतलब सेवक का मतलब क्या बोला जाता है, हम एक नॉर्मल भाषा में बोले तो नौकर, वो जनता के नौकर है और उन्हें शर्म ना आती है बोलने में मोदी जी को मैं प्रधान सेवक हूँ। वो गर्व करते हैं 140 करोड़ लोगों का सेवक है। एक डिप्टी CM क्या है सर? एक छोटा सा सेवक है। एक छोटा सा नौकर है। अगर नौकर गलती करे तो उसे लात मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है, चोरी करे तो। आज ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिहार के लोगों को। बिहार के लोगों से पूछता हूँ, गलती कहीं ना कहीं बिहार के लोगों की नहीं है? आज रैलियां कर रहे हो, पहले आवाज़ उठाई होती तो। 27 तारीख को मनीष कश्यप के समर्थन में बहुत बड़ा रैली हुआ, क्या उससे कोई मनीष कश्यप को फायदा भी मिलेगा या ऐसे ही है? सर बहुत बड़ी रैली हुई, बहुत बड़ा जन समर्थन मिला, मैं भी जाना चाह रहा था, कुछ निजी कारणों से नहीं जा पाया, लेकिन इससे कम से कम नज़र तो आ रहा है कि कितने लोग सपोर्ट में हैं, यानी कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। अगर अन्याय ना हो तो इतने लोग साथ में नहीं हो सकते, क्योंकि ये कांग्रेस की रैली तो है नहीं कि नोट के बदले वोट, नोट ले लो, नोट दे दो, दारू की बोतलें दे दो और लोगों को इकट्ठा कर लो। ये तो एक सामाजिक पैसा लेकर के बुलाया होगा सर, पैसा बांट करके। सर मनीष कश्यप है, जो पैसा आता है कमाई से वो भी एक नंबर में आता है सर। तेजस्वी यादव के जैसे चारा चोरी थोड़ी कर लेते हैं। 40-42 लाख रुपया निकला अकाउंट से सर। तो अकाउंट से बात तो ये ना, अकाउंट से बेईमानी करके रखा होगा। सो बेईमानी करके रखा होगा तो आईटी डिपार्टमेंट का नोटिस गया होगा ना, नोटिस सामने ला दे इतने सालों के। सर वो टैक्स पे करता है उस 42 लाख का, तो उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती? क्यों उंगली उठाई जा रही है, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई? आपने उसका अकाउंट सीज कर दिया है, फ्रीज कर दिया, सब कर दिया, लेकिन आज तक प्रूव नहीं कर पाए क्यों फ्रीज किया है। एक सबूत ला के दे ना कि भाई ये 2 नंबर का पैसा, प्रूव करे। ये भारत के लोकतंत्र, ये सारे लोग विपक्षी लोग बोलते रहते हैं भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं मानता हूँ हो रही है, मैं मोदी समर्थक हूँ लेकिन बोल रहा हूँ भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन ये पूरी बात नहीं बताते कि भारत में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है वो हम विरोधी करते हैं। ये जो विरोधी पार्टी है ये भारत के लोकतंत्र की हत्या कर दी। आज संसद को ताबूत से कंपेयर कर दिया सर, भारत के लोकतंत्र की हत्या कर दी। जो संसद गर्व की बात थी, आज दिवाली मननी है, आज लोग सब खुशी मना रहे हैं। मैं आपके व्यूवर्स को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि भारत के लोकतंत्र में हम कॉलोनियलिज्म से बाहर आई, आज हमें एक नई विरासत मिली जो मैं नहीं मेरे आने वाली 5 पीढ़ियाँ भी शायद उस पर गर्व करेगी। हम उस चीज़ का हिस्सा हैं सर, आप मैं और हमारे 140 करोड़ लोग, जिस पे हम हमारे बच्चों को गर्व से बताएंगे हमने ये जिया है।
हमारे माता पिता हम पे गर्व करते हैं कि हमने जो देखा कम से कम हमारे बच्चे उससे बहुत अच्छा देख रहे हैं, ये अपना भारत देख रहे हैं, ये आत्मनिर्भर भारत देख रहे हैं। आज हमें खुशी है कि हम जो टैक्स के पैसे देते हैं उससे वो संसद बनी है, उसमें एक ईंट शायद मेरे नाम की लगी हो, एक ईंट आपके नाम की लगी हो। सर 140 करोड़ जनता है, टैक्स पेयर लगभग हम मानते हैं पारिवारिक हिसाब से तो लगभग शायद 5 से 7 करोड़ है। तो सर कितने करोड़ में बना है? 940 करोड़ या लगभग 1000 करोड़। हम 5 करोड़ पकड़ते हैं, यानी कि हर नागरिक का 200 रुपया उसमें लगा है सर, तो उसमें सबका अधिकार बराबर दिया है। तो इस चीज़ का गर्व किसे है? मुझे तो इस चीज़ का गर्व है कि मेरे 200 रुपये से भी शायद मेरे 200 रुपये में भी उस संसद में मेरा भी 200 रुपया लगा है, आपका भी 200 रुपया लगा है, हर नागरिक का 200 रुपया लगा है। तो ये गर्व की बात है, उसको ताबूत से कंपेयर कर देना क्या, कैसी अच्छी राजनीति है। आज कांग्रेस ने ट्वीट कर दिया, नेहरू को दिखा दिया मोदी जी के जूते के बराबर। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि कौन है? मोदी जी आज मोदी जी खड़े हैं यानी 140 करोड़ लोग खड़े हैं। मतलब कांग्रेस क्या ये बोलना चाहती है कि 140 करोड़ लोग नेहरू बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सम्मान है, लेकिन नेहरू है तो नेहरू है, नेहरू के पांव की धूल के बराबर है क्या? 140 करोड़ लोग नेहरू के पांव की धूल के बराबर है, कांग्रेस ये बोलना चाह रही थी? क्योंकि मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ना, तो प्रधानमंत्री को आप नेहरू की धूल के बराबर बताओगे यानी 140 करोड़ लोगों को धूल के बराबर बता दिया है। इसका जवाब आज कांग्रेस से मैं मांगता हूं, जवाब दे मुझे। संसद भवन के नाम को बदलने के लेकर क्या विवाद छिड़ने वाला है, क्या लग रहा है सर? संसद भवन के नाम को अंबेडकर के नाम से जोड़ने को बोल रहा है कुछ लोग। सर भारत की संसद है, अंबेडकर भी भारत के हैं, वीर सावरकर भी भारत के हैं, नेहरू भी भारत के हैं, सुभाष चंद्र बोस भी भारत के हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी भारत के हैं। अगर इनकी तुलना की जाएगी तो तुलना करने वाला सबसे बड़ा देशद्रोही होगा, सबसे बड़ा देशद्रोही तुलना करने वाला है। कल मैं एक डिबेट में था आर भारत की में, उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता आए हुए थे और भी 2-3 विपक्षी पार्टियों के, उनमें से एक प्रवक्ता बोलते हैं वीर सावरकर की जयंती पर क्यों, वीर सावरकर की जयंती पर क्यों नहीं, उन्हें कॉलू का बेल बनाया गया, उन्होंने भी बलिदान दिया भारत की इसी आज़ादी के लिए, बलिदान दिया जिस आज़ादी के लिए। वीर सावरकर जी भी बीजेपी के समर्थक थे सर, बीजेपी तो उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुई थी। वीर सावरकर राष्ट्रवाद के समर्थक थे, बीजेपी इसलिए आगे है क्योंकि राष्ट्रवाद की समर्थक है, और राष्ट्रवाद का मतलब राइट विंगर नहीं होता जो ये लोग गालियां देते रहते हैं। विरोधी पार्टी पार्टी तो वादा कर रही है सर, राष्ट्रवादिता का मतलब है हमारे राष्ट्र पे गर्व होना, राष्ट्र पे गर्व करना। अगर राष्ट्र पे गर्व करना कोई पार्टी सिखा रही है और अगर उस चीज़ का अगर ये पार्टियां विरोध कर रही है तो ये पार्टियां सबसे पहले देशद्रोही हैं। मैं अपने देश पे गर्व क्यों ना करूं? आप अपने देश पे गर्व क्यों ना करें? हमने आज तक हमारे देश पे गर्व क्यों नहीं किया? सोचने की बात तो ये है, शेंगोल हमारी कितनी पुरानी विरासत थी, उसे एक नेहरू की चलने वाली छड़ी बना के उन्होंने छिपा दिया, ये इतिहास क्यों छिपाया गया? मैं आज सवाल उठाता हूँ, इन्होंने टीपू सुल्तान की तलवार तो किताबों में पढ़ाई, एक लुटेरे की तलवार किताबों में पढ़ाई, लेकिन शेंगोल जो हमारे आज़ादी की विरासत थी, आज़ादी का प्रतिनिधित्व, हमारे आज़ादी का सबूत है, प्रतीकात्मक सबूत वो शेंगोल है। तो एक बात बताए, उसको छिपा के क्या इन्होंने पूरे भारत की जनता के साथ देशद्रोह नहीं किया, धोखा नहीं किया, अंधेरों में नहीं रखा? आज ये इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? और ये शेंगोल को हिंदुत्व से जोड़ते हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए सर, अगर शेंगोल हिंदुत्व की बात है, निशानी है, भारत का नाम किस पे है? राजा भारत, एक हिंदू राजा थे, भारत के नाम का विरोध कर देंगे ये कल करेंगे? जब आप कोर्ट में न्याय मांगने जाते हो, गवाही देते टाइम गीता पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती है, तो क्या गीता हिंदुओं का धर्म है? हिंदू गीता को फॉलो करते हैं, हिंदुओं का ग्रंथ है, तो क्या ये कोर्ट के न्याय पे सवाल उठा देंगे? आप किस किस पे न्याय पे उठाओगे? सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से उठाया गया है, हिंदुत्व की निशानी है, उठा दो सत्यमेव जयते पे सवाल। अशोक स्तंभ, अशोका दी ग्रेट, सम्राट अशोक से के वहाँ की राजधानी से निकाला गया, वो एक बौद्ध राजा थे, सनातनी थे, उठा दो अशोक स्तंभ पे
सवाल, ये किस में सवाल उठाना चाह रहे हैं? इसीलिए हम बोलते हैं कि हिंदुत्व को धर्म से नहीं, हिंदुत्व को संस्कृति से जोड़ा जाए। अशोक स्तंभ धर्म की निशानी नहीं, भारतीयता की निशानी है ना। तो एक बात बताइए, जब अशोक स्तंभ भारतीयता की निशानी है, गीता न्याय के लिए भारतीयता की निशानी है, भारत का नाम राजा भरत में भारत की निशानी है, तो फिर शंगोल भारतीयता की निशानी क्यों नहीं? इसका जवाब कांग्रेस दे, सारे विपक्षी दे। अंत में फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट में बताते हुए जाइएगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।